Subscribe to BHU Campus and press the bell icon to get the latest video notification first. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU कैंपस में। दोस्तों, इस बार मैं आपको 2016 में BA आर्ट्स का जो पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन लेके आई हूँ। इसके साथ ही मैं आपको ऑप्शन से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिए। हिंदी का जो प्रश्न पत्र है ये सोशल और आर्ट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को चारण काल किस साहित्यकार ने कहा? आप लोग जानते हैं हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल आदिकाल को कहते हैं। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। यहाँ पर मिसप्रिंट है राहुल, सांस्कृत्यायन नहीं, सांकृत्यायन इनका सही नाम है। तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है आदिकाल को, और राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, और बीज वयन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी राजरासों का सबसे बड़ा संस्करण प्रकाशित करने वाली संस्था का नाम क्या है? इसका सही आंसर है नागरी प्रचारिणी सभा। नेक्स्ट, आदिकालीन हिंदी गद्य ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना किसने किया था? इसका सही आंसर है दामोदर शर्मा। दो सूखने किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। कबीर परिचय का रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है अनंत दास। माधवानल कामकंदला का रचयिता कौन है? माधवानल कामकंदला एक नाटक है जिसको आनंदधर ने संस्कृत में लिखा था, और 1583 ईस्वी में आलम कवि ने इसको इस कथा को पद्यबद्ध किया था। इसका सही आंसर है आलम कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति का जन्म किस जनपद में हुआ था? इसका सही आंसर है दरभंगा, ये बिहार में है, और उनका जो निवास स्थान मतलब जहां वो रहते थे वो नेपाल था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेपाल को मिथिला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के दृष्टकूट पद किस संग्रह से संग्रहित है? सूरदास की तीन प्रामाणिक रचनाएं हैं सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है साहित्य लहरी। नेक्स्ट, कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य निम्न में से किस शैली में है? तो इसका सही आंसर है मुक्तक। जो रस रहस्य है ये आचार्य मम्मट द्वारा लिखित काव्य प्रकाश जो एक लक्षण ग्रंथ है उसी का छाया अनुवाद है। कुलपति मिश्र ने इसका हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद का अनुदित नाटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है प्रेम जोगिनी। नेक्स्ट है, भारतेंदु संज्ञक पत्रिका का संपादक कौन था? इसका सही आंसर है राधाचरण गोस्वामी, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दें। नेक्स्ट है, घृणा संज्ञक निबंध किस निबंधकार ने लिखा है? तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है चिंतामणि, ये एक ललित निबंध है, इसे 2018 और 19 दोनों में प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, चॉकलेट संज्ञक कहानी संग्रह किस कहानीकार द्वारा विरचित है? इसका सही आंसर है पांडे बेचन शर्मा उग्र। इसके अलावा इन्होंने इनकी और जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो हैं शराबी, कढ़ी में कोयला, फागुन के चार दिन और ध्रुवचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर का सही विलोम शब्द चयनित करिए। तो इसका सही आंसर है प्रवर। नेक्स्ट, असीम का सही विलोम शब्द चयनित करिए। तो इसका सही आंसर होगा ससीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभी का सही तत्सम शब्द चयनित कीजिए। तो इसका सही आंसर है भ्रारती भार्या, भाई की पत्नी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावत का सही तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द शुद्ध होते हैं, इसका सही आंसर है महापात्र। ये यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, महाव्रत नहीं होगा, महापात्र इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विधि की दृष्टि से ठीक हो वाक्य के लिए एक सही शब्द चुनिए। तो इसका सही आंसर है वैध। अलग अलग अवयवों को जोड़ना, वाक्य के लिए एक सही शब्द चुनिए। तो इसका सही आंसर है संश्लेषण। नेक्स्ट है, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पक्षी जनु मार। उपयुक्त दोहे का रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है बिहारी दास। निम्न में से असंबद्ध शब्द चयनित करिए। इसका सही आंसर है निरीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के पर निकलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा नष्ट होने के करीब होना। बट्टा लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है कलंक लगाना। दुराग्रह में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? इसका सही आंसर है दुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसंकोच में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो इसका सही आंसर है निस, क्योंकि आप संधि विच्छेद करेंगे, निस्धन संकोच। पथेरा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इसका सही आंसर है एरा, क्योंकि पथ एक शब्द है और इसमें एरा प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो इसका सही आंसर है यण संधि, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होगा प्रतिधन उपकार, प्रति के ई को और उपकार का ऊ मिलने से य बनता है यण संधि में। नेक्स्ट, पदयात्रा में प्रयुक्त समास का चयन करिए। तो पदयात्रा में समास है तत्पुरुष, क्योंकि इसका जब विग्रह करेंगे आप तो हो जाएगा पद से यात्रा, तो इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग है से, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास है। अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय होता है और बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं, वो किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। द्वंद में दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट, व्यंजन का अर्थ खाद्य पदार्थ है, तो व्यंजन का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है पंखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा आंचलिक उपन्यासकार नहीं है? ये लास्ट क्वेश्चन है। पहले ये जान लेते हैं कि आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं। जब किसी विशेष जनपद, अंचल, क्षेत्र या जनजीवन का समग्र चित्रण होता है, उसको आंचलिक उपन्यास कहते हैं। तो इसका सही आंसर है मार्कंडेय। मार्कंडेय की प्रसिद्ध रचना है अग्निबीज और सेमल के फूल। इसके अतिरिक्त ये तीनों कवि आंचलिक उपन्यासकार हैं। नागार्जुन का जो आंचलिक उपन्यास जो बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम है बलचनामा। और फणीश्वरनाथ रेणु का जो आंचलिक उपन्यास है, उसको मैला आंचल, उसका नाम मैला आंचल है। और शिव पूजन सहाय का जो आंचलिक उपन्यास है, वह देहाती दुनिया। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। I'm not afraid to die.